नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं नुपुर शर्मा से। जी हाँ, नुपुर शर्मा को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। नुपुर शर्मा पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा पर बीजेपी मेहरबान है, बीजेपी नुपुर शर्मा को लेकर बड़ा कदम उठाना चाह रही है, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाह रही है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अभी नुपुर शर्मा कुछ समय पहले लापता हो गई थी, उनको ट्रेस नहीं किया जा रहा था, उनका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। उसके बाद पता चला कि नुपुर शर्मा जो है वो कहाँ पर है, तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस से भागती फिर रही है नुपुर शर्मा। और लगातार असदुद्दीन ओवैसी और तमाम मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि भाई नुपुर शर्मा को आप लोग सजा क्यों नहीं दे रहे। बीजेपी से सवाल किया जा रहा है कि नुपुर शर्मा को जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि नुपुर शर्मा को जेल भेजने के लिए मुसलमान सड़कों पर उतर आया है और वो कह रहा है कि नुपुर शर्मा को या तो फांसी हो या तो जेल हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पर कहा कि नुपुर शर्मा को बीजेपी का पूरा सहयोग मिल रहा है, बीजेपी उनके साथ खड़ी है और इसीलिए नुपुर शर्मा ने इस तरह का बयान दिया है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की उस हर नीति का वो विरोध करेंगे जिस नीति से देश को नुकसान पहुंच रहा है, जिस नीति से देश के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर ना सिर्फ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है बल्कि वो नुपुर शर्मा को भी घेरते नजर आए हैं। तो क्या जिस तरह से कहा जा रहा था कि एक बार फिर नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और क्या वाकई नुपुर शर्मा की अगर मुश्किलें बढ़ती हैं तो क्या बीजेपी को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से मुस्लिम कंट्रियों ने भारत के साथ रिश्ते खत्म किए हैं, तोड़े, उसका असर भारत में दिखना शुरू हो चुका है और इससे आने वाले समय में हालात जो है वो और ज्यादा खराब होते नजर भी आएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।